19 जून को सुभाष चौक बीएसपी स्कूल के पास कैंप वन निवासी युवक रंजीत सिंह की हत्याकांड के फरार आरोपी भाजपा से निष्कासित लोकेश पांडे को उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर हत्याकांड को सुलझाने में जुटी एंटी क्राइम व साइबर यूनिट की टीम द्वारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कोरापुट, विशाखापट्टनम, विजयनगरम आदि सरहदी क्षेत्रों में छिपने की फिराक में घूमते हुए घेराबंदी कर पकड़कर भिलाई लाया गया, जहां लोकेश पांडे से पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त फॉर्चुनर कार को भी बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि रंजीत सिंह हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस की टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला था। इस हत्याकांड के 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी निखिल एंजल उर्फ चीकू फरार है, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने कुछ इस प्रकार से दी। छावनी थाने का मामला है, जहां पर 2 दिन पूर्व एक हत्या हुई थी रंजीत नामक युवक की, और उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। घटना में हत्या के मामले में जो घटना का मास्टरमाइंड है लोकेश पांडे, वो घटना दिनांक से भिलाई छोड़कर भाग रहा था। पुलिस भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। साइमेंटेनियसली हम लोग दूसरी टीम के पीछे भी लगे हुए थे, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया था। 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। ये लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। पुलिस भी लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये विशाखापट्टनम में छुपा हुआ था, लेकिन ये जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल के माध्यम से वहाँ हमारी मुखबिरी हो चुकी थी। उस पर से हम लोगों ने वहाँ दबिश दी, वहाँ से फिर भागा। इसको विशाखापट्टनम से रायपुर आने के दौरान रास्ते में पकड़ा गया है और आज इसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर इस मामले में अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक आरोपी और है जिसकी गिरफ्तारी शेष है। इसके अलावा ऐसे लोग जो घटना के बाद से इनको छुपने में, इनके साक्ष्य को छुपाने में और इनको फरार करने में इनकी सहायता कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों की लिस्टिंग की जा रही है। विवेचना में उनको शामिल किया जा रहा है और उन लोगों को IPC की धारा 201 के तहत उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और इस मामले में विवेचना में आगे बढ़ाया जाएगा। जुलूस तो नहीं निकाला गया था, क्राइम सीन पर ले जाया गया था उनको। रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम किया गया था और इस दौरान वहाँ पर पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थी और पब्लिक के द्वारा उन पर हमला भी करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने बचाया। लेकिन ऊपर में कुछ पब्लिक ऐसी थी जिन्होंने इनके ऊपर शाही फेंक दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर मुँह काली पोतने की बात आ रही थी। और चूँकि क्राइम सीन में अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी ले जाएंगे और घटना में जो भी चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी वो कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।